हेलो बच्चों, आज की कहानी है भीमा गधा। भीमा रामू धोबी का गधा है। उसकी परेशानी यह है कि उसकी नींद नहीं खुलती, इसलिए उसे डांट सुननी पड़ती है। एक दिन पड़ोस की गाय गौरी ने पूछा, भीमा तू उदास क्यों है? भीमा बोला, मेरी नींद नहीं खुलती, तू मुझे जगा देगी? ठीक है, गौरी बोली। दूसरे दिन गौरी ना ना रंभाती रही, पर भीमा नहीं जागा। शाम को भीमा घाट से लौटा, मोती कुत्ता वहां आया। मोती, मेरी नींद नहीं खुलती, तू मुझे जगा देगा? हाँ, मोती बोला। अगले दिन मोती भौं 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 भौंकता रहा, पर भीमा की नींद नहीं खुली। उस शाम भीमा चीनू मुर्गे से मिला। चीनू, तुम्हारी आवाज से तो सभी हर सुबह जाग जाते हैं, क्या तुम मुझे भी जगा दोगे? ठीक है, चीनू बोला। अगली सुबह कुकड़ुक कू कुकड़ुक कू कुकड़ू कू, पर चीनू जोर जोर से बांग लगाता रहा, मगर भीमा पर कोई असर ना हुआ। शाम को भीमा ने कालू कौवे को काव काव करते देखा। भैया कौवे, तुम मुझे सुबह जगा दोगे? हाँ, जरूर, कालू बोला। अगले दिन कालू काव 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 करता रहा, पर भीमा नहीं जागा। अब तो भीमा निराश हो गया। अगले दिन सुबह सुबह एक मक्खी उसकी नाक में जा बैठी। आ, आ, छी! ऐसा होते ही भीमा की नींद खुल गई। अरे, मैं कैसे जाग गया? मैंने जगाया, उसके सिर पर बैठी मक्खी बोली। सच, मुझे रोज जगा दोगी? ठीक है, अब भीमा खुश था, यह तरकीब काम आई। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।